कोई काम हम नहीं कर पा रहे थे, यही मुख्य कारण है कि हमने पार्टी को चेंज करना ही ठीक समझा। विधायक जी ने इतना परेशान कर रखा है दुकलकाबाद की जनता को कि आप जाके देखिएगा गली गली में सीवर लाइंस खुले पड़े हैं। जनता ये बोलती है कि हमने तो आपको ही चुना है, आपका ही विधायक है, आपके पार्षद है, आप ये कह देते हैं आप विधायक जी के पास जाए, विधायक जी कह देते हैं पार्षद के पास जाए। आम आदमी पार्टी की 5 निगम पार्षद अचानक से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी उनके पार्षदों को तोड़ने की और कोशिशें करेगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तुकलकाबाद विधानसभा से वार्ड नंबर 178 से निगम पार्षद सुगंधा बिधुड़ी जी। मैम, क्या कहना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी में आप रहे थे, जीते थे और आम आदमी पार्टी छोड़कर के आप बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो वजह क्या है इसका? देखिए, मुख्य कारण यही है कि जनता का काम ना होना। जनता ने हमसे बहुत उम्मीदें रखते हुए हमें निगम पार्षद यहाँ से चुना है, उनका कोई काम हम नहीं कर पा रहे थे, यही मुख्य कारण है कि हमने पार्टी को चेंज करना ही ठीक समझा। जैसे कि साफ़ सफाई को लेकर, सीवर लीकेज को लेकर, पानी की समस्याओं को लेकर अधिकारियों का ना सुनना, मेयर साहिबा को हमारी बात ना सुनना, यही हमारे मुख्य कारण है कि हमने पार्टी को चेंज करा। अगर ऐसे ही चलता रहता तो हम जनता का काम नहीं कर सकते थे। 1.5 साल तो बीत ही चुका था और हम जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। अपनी छवि बचाने के लिए हमने पार्टी को चेंज करना ही सही समझा। देखिए, चुनावी टाइम पे हमें एक एजेंडा दिया गया था कि केजरीवाल जी की 10 गारंटियों पे हम इस चुनाव को लड़ें, और हमने जनता के बीच डोर टू डोर करा, तो हमने जनता के बीच उन 10 समस्याओं को रखा कि आपकी इन 10 समस्याओं को हम पूरा करेंगे। और जनता ने सोचा कि ये 10 समस्याएं अगर पूरी हो गई तो उनकी सारी परेशानियां ही हल हो जाएंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए हम। 1.5 साल बीत गया, जनता को हमसे बहुत उम्मीदें थी कि एक युवा नेता उनके बीच आकर उनकी सारी समस्याओं का हल करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो हमने पार्टी को चेंज करना ही सही समझा, क्योंकि जैसा कि विधायक जी, जिस टाइम हमारा टिकट हो रहा था, विधायक जी ने खूब अनबन करी हमारा टिकट ना हो, पर हमारा टिकट हुआ और जनता ने हमें चुना। पर आज ये हाल है कि विधायक जी हमारा कोई काम नहीं कर रहे थे, जनता हमारे पास आ रही थी कि हमसे उम्मीदें लेकर के हम काम करें, पर जो काम हमारा नहीं है उसे हम कैसे कर पाते। इसी कारणवश हमने पार्टी को चेंज करना ही सही समझा, जबकि हम चुनावी टाइम पर जनता के बीच में जाकर कहते थे कि आपका विधायक होगा, आपका पार्षद होगा, तो बहुत अच्छे बेहतर तरीके से हम काम को करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। बिल्कुल दोनों की डायरेक्शंस अलग हो गई थी, हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। विधायक जी ने इतना परेशान कर रखा है दुकलकाबाद की जनता को कि आप जाके देखिएगा गली गली में सीवर लाइंस खुले पड़े हैं और लोग हमारे पास आ रहे हैं, जो काम हमारा है ही नहीं, हम उसे कैसे दे। जनता ये बोलती है कि हमने तो आपको ही चुना है, आपका ही विधायक है, आपके पार्षद है, आप ये कह देते हैं आप विधायक जी के पास जाए, विधायक जी कह देते हैं पार्षद के पास जाए। हम जनता को जवाब नहीं दे पा रहे थे, हमारी छवि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी जनता के बीच, इसी कारण हमने पार्टी को चेंज करना बेहतर समझा। यानी कि अपनी छवि को मेन था कि अपनी छवि को बचाना है। अच्छा, एक जब जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो कहते थे जब विधानसभा में हमारे कैंडिडेट हैं जो विधायक है जीते हुए, इसके बाद अगर एमसीडी में भी अगर हम लोग आते हैं तो दिल्ली का विकास हो पाएगा, तो क्या कारण आप मानते हैं कि एमसीडी में भी सरकार आम आदमी पार्टी की थी और बीजेपी उसमें विधानसभा में भी थी, तो कारण क्या था, क्यों वहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा था? जी, विकास इसलिए ही नहीं हो पा रहा था कि विधायक जी बिल्कुल चाहते ही नहीं थे कि उनका काम हो पाए। ऊपर से देखिए, तुगलकाबाद विधानसभा में, तुगलकाबाद में 1 लाख लोगों की जनसंख्या है, जिसमें हमें 6 गाड़ियां दी गई हैं कूड़े की, 6 गाड़ियां, गाड़ियों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप मुझे ये बताइए कि 1 लाख जनसंख्या में 6 गाड़ियां कैसे कूड़ा उठाएंगी और कैसे साफ़ सफाई हो पाएगी? उन गाड़ियों की हालत इतनी ख़राब है कि वो आने की कंडीशन में ही नहीं है। तो जनता क्या करे, जनता को हमसे उम्मीद थी कि वो सफाई होगी, घर घर गाड़ियां जाएगी, पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा, इसी कारण। तो फिलहाल आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, आम आदमी पार्टी से आपने छोड़ दिया है, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद क्या कुछ चैलेंजेस होंगे, क्योंकि अब आप विपक्ष में हैं, विपक्ष में रहकर क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और जनता को कैसे आप उनके हक दिलवा पाएंगे? देखिए, जनता को हम पूरी तरह दिलवा पाएंगे, चाहे हमें प्रोटेस्ट करना पड़े, मेयर हाउस के बाहर जाके बैठना पड़े, जनता के हित में हम लड़ाई लड़ेंगे। आप में रहकर हम आवाज़ नहीं उठा सकते थे, लेकिन विपक्ष में रहकर जनता के बीच, जनता के साथ मिलकर मैं उनके हक के लिए लड़ूंगी और उनके सारे काम करवाएंगे। और
रामवीर, जैसे कि आप जानते हैं रामवीर विदुड़ी जी एक बड़े लीडर हैं, उनके साथ मिलकर हम काम करवाएंगे। उन्होंने विकास करवाया है तुगलकाबाद विधानसभा का और आगे भी करवाएंगे, और अब हम साथ मिलकर करवाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये भी रहेगा कि अभी कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के बड़े नेता थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, अब अचानक से 5 निगम पार्षद शामिल हो गए, तो क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है क्या? जी बिल्कुल बढ़ेगी। जब काम नहीं होगा, जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे, तो ये जायज़ है कि पार्टी चेंज करनी ही पड़ेगी। उन्हें उनकी मजबूरी है, वो जनता को क्या जवाब देंगे? जब जनता ने उन्हें काम के लिए चुना है और वो काम नहीं कर पाएंगे तो चेंज करेंगे इस पार्टी। ठीक है, बहुत धन्यवाद मैम पंजाब किसी से बातचीत करने के लिए। ये तो हमारे साथ थी सुगंधा विधुड़ी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनका आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने का इनका मकसद ये था कि जो इस इलाके में जो विकास है, साफ सफाई की जो समस्या थी, उस मुद्दों को लेकर ये काम नहीं कर पा रही थी। यहाँ के जो इलाके के विधायक हैं वो कहीं ना कहीं इनसे खफा थे, और यही एक बड़ा कारण है कि इस इलाके का विकास नहीं हो पाया। अब इनका कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ये जनता के साथ रहेंगी, जनता के हित में उनके लिए आवाज़ उठाएंगी और इस इलाके का बेहतर विकास करवा सकेंगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।